Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start our maths lecture from unit number 14, mensuration area. मेंसुरेशन मीन्स ऑल डायमेंशंस मेयरमेंट्स, जितनी भी हम मेयरमेंट्स करते हैं, जिन जिन डायमेंशंस की करते हैं, लेंथ, ब्रेथ, विड्थ. एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया इज अमाउंट ऑफ सरफेस दैट कवर्स एनी शेप. एक कोई भी शेप है वो जो भी सरफेस कवर करती है, जितनी भी जगह लेती है, जितनी जगह घेरती है, उसको हम एरिया कहते हैं उस चीज का. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक प्लॉट लिया, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैथ्स फ्लैश में भी एक ये जो मैथ्स फ्लैश में गिवन है, ये जो पूरा आपके पास एक टेबल है, ठीक है, एक पूरी बाउंड्रीज है इसकी, ठीक है, ये इसकी बाउंड्रीज है. इन बाउंड अगर आप इसको एक प्लॉट एज्यूम कर लें कि ये आपके पास एक प्लॉट है जिसकी बाउंड्रीज ये लाइंस हैं, ये ब्लू लाइंस, ठीक है, इसके अंदर आपका तमाम प्लॉट है. इसमें घर जितनी जगह, ये घर जितनी जगह में बना हुआ है, आप इसको एरिया कहेंगे. एक पूरे प्लॉट में से जितनी जगह पे घर बना हुआ है, वो जगह उस घर का एरिया होगी. और जो उसकी बाउंड्रीज होंगी प्लॉट की जो बाउंड्रीज होंगी, कंप्लीट जो उसका होल होगा, पूरा रकबा होगा, उसको हम कहते हैं पेरीमीटर. ये जो चीज जितनी जगह लेती, अब इस घर का एरिया ये है, गाड़ी जहां पे पार्क की गई है ये इस गाड़ी का एरिया है, और दिस वन इज ये टेबल का एरिया है. इन दिस यूनिट स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिया एंड इट्स यूनिट्स. एरिया के कॉन्सेप्ट लेंगे आप और उसके यूनिट्स के मुतालिक. टू फाइंड एरिया बाई यूजिंग स्क्वायर्ड पेपर, स्क्वायर्ड पेपर को यूज करके आपने एरिया कैसे फाइंड करना है. टू फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल बाय अप्लाइंग द फार्मूला. अब आप किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो आप फार्मूला की मदद से इजीली फाइंड कर सकते हैं. वो फार्मूला आपको गिवन होंगे. टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एरिया, एरिया से रिलेटेड जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो भी आप सॉल्व करेंगे. एरिया, लुक एट टू सर्फेसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस. आप मुख्तलिफ साइजेस के दो चीज़ों के सर्फेस को देखें. फॉर एग्जाम्पल इस घर को आप देख लें या फिर इस गाड़ी को, दोनों का सर्फेस अलग अलग है, ठीक है, इसने ज़्यादा जगह ली है और इसने कम. सच एज अ क्रिकेट फील्ड एंड द फ्लोर ऑफ अ स्विमिंग पूल. वन कैन इंटरेक्टिवली से विच वन इज लार्जर देन द अदर. आप वो कहते हैं टू डिफरेंट आप सर्विसेज ले लें और फिर आप वहाँ से चेक कर सकते हैं मुख्तलिफ साइजेस के कि किसका एरिया ज़्यादा है और किसका कम है. हाउ कैन वी एक्सप्रेस द एग्जैक्ट साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. आप किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट साइज कैसे बता सकते हैं, मीन्स कि उसका टोटल एरिया, जितनी उसने जगह ली है, अगर आप उस चीज़ का टोटल एरिया, टोटल सरफेस फाइंड कर लें जितनी वो जगह गिरती है, तो वो उसको आप उसका एग्जैक्ट साइज कह सकते हैं. नेक्स्ट है आपके पास टॉपिक यूनिट्स ऑफ एरिया. यूनिट्स ऑफ एरिया, एरिया के कौन कौन से यूनिट्स हैं. कंसिडर अ स्क्वायर, ईच साइड मेजरिंग 1 सेंटीमीटर. फर्स्ट करें आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है. यू नो वेरी वेल दैट स्क्वायर, 4 साइडेड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं. अगर उसकी एक साइड 1 सेंटीमीटर की है तो ऑब्वियसली उसकी बाकी की 3 साइड्स भी 1 सेंटीमीटर की होंगी. हाउ मच स्पेस डज दिस स्क्वायर हैव. तो इस स्क्वायर ने कितनी जगह ली होगी ये हम कैसे फाइंड करेंगे. द एरिया कवर्ड बाय द स्क्वायर इज कॉल्ड
1 square centimeter or 1 centimeter square. This is the unit of area. ये एरिया का यूनिट होगा. अब देखिए इसने फोर डायमेंशंस को आप ऐड कर लें, या देखें 1 सेंटीमीटर इसकी दोनों लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. किसी भी स्क्वायर और रेक्टेंगल को का एरिया फाइंड करने का सिंपली मेथड है आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेंथ आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1, 1s are 1 एंड सेंटीमीटर जब सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, दो यूनिट्स मल्टीप्लाई होते हैं जैसे हम वेरिएबल्स हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं. x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो x square बन जाता है, और x को जब आप यहाँ पे सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा. लेकिन सेंटीमीटर को जब आप सेंटीमीटर में ऐड करेंगे तो वो सेंटीमीटर ही रहेगा. एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस कवर्ड बाय अ सरफेस. इट इज अ डेफिनेशन ऑफ एरिया. एरिया वो अमाउंट होती है किसी भी स्पेस किसी भी जगह की जो एक चीज घेरती है. कोई भी शेप जितनी जगह लेती है, जितना सरफेस कवर करती है, जितनी जगह घेरती है, उसको हम उस शेप का एरिया कहते हैं. You can understand the area of a plane surface as the number of 1 centimeter squares that can fill it up completely. आप अगर आपके पास कोई स्केयर है जो जिसके 1 सेंटीमीटर नंबर ऑफ सरफेस, तो आप उसका कंप्लीट स्केयर्स वो स्केयर कंप्लीट होता है, आप उसका एरिया कंप्लीटली फाइंड कर सकते हैं. ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी. कट आउट अ स्केयर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ईच. आपने एक ऐसा स्केयर ड्रॉ करना है जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर की हो. प्लेस द स्केयर on the cover of a notebook and trace its outline. Square की आपके पास square को आप अपनी notebook पे draw करने के बाद उसकी outline को trace कर लें. Move the square along one of the edges किनारे of the outline and trace an other outline. आप उसकी तमाम जो dots की मदद से आप करें उसकी, अगर आप ये पेपर पे स्केयर्ड पेपर पे बनाने में छोटे 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 ग्रिड्स की मदद से अगर आप स्केयर बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे कि आप उसके फिर फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स ले लें, फिर उनके एजेस को दोनों तरफ से आपस में मिला दें. रिपीट द प्रोसेस टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्केयर्स इट टेक्स टू फिल अप द कवर ऑफ द नोटबुक कम्प्लीटली. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर अगर आपने स्केयर ड्रॉ करना है तो आप इस एज को और इस एज को आपस में ज्वाइन करवा देंगे. For small surfaces such as the cover of a notebook or an envelope, notebook का cover या फिर कोई भी envelope, area is measured in terms of a square of side 1 centimeter. इसको आप square में find कर सकते हैं जिसकी हर side 1 centimeter हो. The area of this unit square is 1 square centimeter. अगर आपके पास एक स्केयर है जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया क्या होगा 1 सेंटीमीटर स्केयर. क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है स्केयर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं. आप लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ करेंगे, लेंथ दोनों तरफ अगर 1 सेंटीमीटर होगी, ब्रेथ भी आपकी तरफ अगर दोनों तरफ 1 सेंटीमीटर होगी, 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर स्केयर. Units of length. 10 millimeters is equal to 1 centimeter. 10 millimeters कितने सेंटीमीटर के इक्वल होते हैं 1 सेंटीमीटर. इट मीन्स आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं. इसी तरह 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 1 डिकेमीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डायमीटर होते हैं, ठीक है, 1 सॉरी डिकेमीटर 1 किलोमीटर में 10
हेक्टोमीटर होते हैं। आपने ये यूनिट्स आपको याद होने चाहिए ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है आपके पास मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग स्क्वेयर्ड पेपर। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल कि हम सिलेक्टिव सिलेबस करेंगे। ये आपके पास जो टॉपिक है ये एक्सरसाइज 14A से रिलेटेड है। हम 14A में आपके पास जस्ट एक क्वेश्चन है, उसमें भी आपने एरिया ही फाइंड करना है। हम वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, 14B और 14C करेंगे जिसमें आप प्रॉपर फार्मूलाज की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, पैरामीटर फाइंड करेंगे। ओके सो नेक्स्ट देखते हैं कि फार्मूला कौन सा है जिससे हम एरिया फाइंड कर सकते हैं स्क्वेयर्स का एंड रेक्टेंगल्स का, और पैरामीटर क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग फार्मूला। फार्मूले हैं हमारे पास कुछ एरिया को मेजर करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल है द एरिया ए ऑफ अ रेक्टेंगल इज मेजर्ड बाय द फार्मूला। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया मेजर करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, वो कौन सा है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सिंपली आप लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ए, पहला जो आपके पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, वो एरिया को फाइंड करना का है। सेकंड जो आपके पास ये फार्मूला आपके पास टू फाइंड एरिया था, सेकंड जो आपके पास फार्मूला है वो है लेंथ फाइंड करने के लिए कि अगर आपके पास एरिया भी गिवन हो और ब्रेथ भी गिवन हो तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दोनों को डिवाइड कर देंगे, एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। देखें एरिया किस तरह आता है, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। अगर आपके पास एरिया गिवन हो और लेंथ ना हो तो ऑब्वियसली आपको देखना होगा कि एरिया कैसे आया, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके। आप टोटल एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे। एक तो आपके पास जैसे आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि आपके पास रिजल्ट गिवन था, फर्स्ट नंबर भी सेकंड नंबर भी गिवन होता है, एक नंबर आपने फाइंड करना होता है। सेम एज आपको टोटल एरिया गिवन है, ब्रेथ गिवन है, लेंथ नहीं गिवन। आप जब एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास लेंथ आ जाएगी। फिर अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो आप लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके एरिया भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह सेम आपके पास होगा ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, उसके लिए आपको एरिया को आपने एरिया को इससे डिवाइड करना होगा लेंथ से। जब आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ब्रेथ आ जाएगी। ये तीन फार्मूलाज हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल था आपके पास एरिया को क्या फाइंड करने का फार्मूला क्या है, लेंथ को फाइंड करने का फार्मूला क्या है रेक्टेंगल की, और ब्रेथ को फाइंड करने का फार्मूला क्या है। नेक्स्ट है आपके पास द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर इज मेजर्ड बाय द फार्मूला। एक स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, इससे पहले आपने रेक्टेंगल का फाइंड किया है, अब स्क्वायर का कैसे फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर ए, स्क्वायर का फार्मूला, स्क्वायर का एरिया फाइंड करने के लिए सिंपली ये है साइड मल्टीप्लाई साइड। आपके पास एक भी डायमेंशन गिवन हो तो इट मींस के बाकी डायमेंशंस सेम होंगी, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो आपके पास एक भी डायमेंशन हो आप उसको उसी से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। साइड अगर फाइंड करनी हो, एरिया गिवन हो और आपने एक साइड फाइंड करनी हो और एक साइड भी आपके पास गिवन हो, तो आप ए को, एरिया ऑफ स्क्वायर को एक साइड जो आपके पास गिवन होगी उससे डिवाइड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। द डायमेंशंस लेंथ
एंड ब्रेड्थ मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट्स टू फाइंड द एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एक ही यूनिट में होना जरूरी है, ठीक है। उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का यूनिट एक ही होना चाहिए, चाहे वो सेंटीमीटर हो या वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो। नेक्स्ट है आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर अ रेक्टेंगल विद लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपके पास एक डायमेंशन मीटर में होगी और दूसरी डायमेंशन सेंटीमीटर में होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है। लेंथ थी आपके पास 2 मीटर, ब्रेड्थ थी सेंटीमीटर में, उसको आपने मीटर में चेंज करना है। 75 डिवाइडेड बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई, अगर आपने मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना हो उसका ऑपोजिट, तो आपने ऑपरेशन भी ऑपोजिट अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन के बजाय डिवीजन करनी होती है। 75 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 3/4। 2 मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। और 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7, अगर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपने दोनों को एक यूनिट बनाना है। अभी जो आपने फर्स्ट ये किया है 1.5 तक, इसमें आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें वो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि उसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 मल्टीप्लाई 70 सेंटीमीटर एज इट इज, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इज आंसर। नेक्स्ट एग्जांपल 1, यहां से आपके लिए पास, ये तो आपके पास जो एग्जांपल थी कि अगर आपके पास डायमेंशन सेम ना हो तो आप कैसे करेंगे, यहां से हमारी एग्जांपल्स एक्चुअली स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल 1, आपने इन एग्जाम्पल्स के लेक्चर्स को गौर से सुनना है, क्योंकि आपके जो वीकली टेस्ट होंगे वो इन एग्जाम्पल्स में से भी हो सकते हैं। मैं खुद से भी आपको कोई भी डायमेंशंस मींस के क्वेश्चंस इससे सेम ही होंगे, रिलेटेड होंगे, जो मैं आपको करवाऊंगी और समझाऊंगी, लेकिन आपकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वो एक्सरसाइज से आउट एग्जाम्पल्स में से भी हो सकता है, ओके। सो इसको गौर से सुनना है आपने, आपका टेस्ट यहाँ से भी आ सकता है, खुद से भी मैं कोई भी डायमेंशन चेंज कर सकती हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद लेंथ 22 मीटर्स एंड विड्थ 15 मीटर्स। विड्थ मींस के ब्रेथ, आपके पास वो कहते हैं कि आपने एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया फाइंड करना है जिसकी लेंथ 22 है और विड्थ उसकी 15 है। लेंथ एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगुलर का, तो आपके पास फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ ऑफ द फील्ड 22 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड 15 मीटर, दोनों के आपके पास यूनिट सेम है मीटर्स में, सो इनको कन्वर्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। द एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया कैसे फाइंड करेंगे, फार्मूला की मदद से, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। 22 मीटर को 15 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 330 मीटर स्क्वायर, ओके। 330 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ एग्जांपल 1। सिंपली हमने एरिया फाइंड करना था, लेंथ और ब्रेड्थ गिवन थी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 इज फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 21 मीटर एंड एरिया 357 मीटर स्क्वायर। आपके पास अब एरिया गिवन है, लेंथ गिवन है, आपने ब्रेड्थ फाइंड करनी है। एरिया कैसे आया, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करके, तो आपने, आप एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो उसमें से आपके पास लेंथ, तो लेंथ से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेनिंग आ जाएगा वो आपके पास ब्रेड्थ आ जाएगी, वो नंबर आएगा
जिसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके एरिया आया था. फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ द फील्ड 357 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज इक्वल टू 21 मीटर. ब्रेड्थ का फार्मूला है आपके पास, अगर एरिया और लेंथ गिवन हो और ब्रेड्थ फाइंड करनी हो तो आपने फार्मूला यूज करना है एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ. ये आपके पास फार्मूला होगा अगर आपने ब्रेड्थ को फाइंड करना हो. क्योंकि देखें यहां आपके पास लेंथ है और ये ब्रेड्थ, इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके यहां पे ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ, इन दो चीजों को मल्टीप्लाई करके एरिया आता है. अब आपके पास एक चीज लेंथ गिवन है और टोटल एरिया गिवन है. आप एरिया को इससे जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास वो सेकंड थिंग आ जाएगी, ब्रेड्थ आ जाएगी, जिसको लेंथ से मल्टीप्लाई करके एरिया आया था. जब आप डिवाइड करेंगे 357 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 21 मीटर तो आंसर आ जाएगा, ब्रेड्थ आएगी आपके पास 17 मीटर. मीटर स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट था, यहाँ पे सिंगल यूनिट था, एक स्क्वायर इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा हमारे पास 17 मीटर इज द ब्रेड्थ इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 2. नेक्स्ट है एग्जांपल 3. एग्जांपल 3 इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लफिंग अ ट्रैक्ट ऑफ लैंड 42 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ रुपीज 125 पर स्क्वायर मीटर. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट्स ऑल अराउंड रुपीज 150 पर मीटर. आपके पास वो कहते हैं कि एक फ्लफिंग ट्रैक्ट है जिसकी लेंथ 42 मीटर है और विड्थ 30 मीटर है एट द रेट ऑफ 125 पर स्क्वायर मीटर. आपने फेंसिंग कॉस्ट ऑफ फेंसिंग उसके इर्द गिर्द में जितनी भी उसके बाड़ है वो आपने फाइंड करनी है, उसकी जो बाउंड्रीज है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एरिया फाइंड करेंगे, फिर अगर आपके पास एरिया होगा तो आप उसकी कॉस्ट फाइंड कर सकेंगे. लेंथ है हमारे पास 42 मीटर, ब्रेड्थ है हमारे पास 30 मीटर. एरिया के लिए क्या चाहिए हमें, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 1260 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट ऑफ प्लफिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उन्होंने पर स्क्वायर मीटर तो दी हुई थी, पर स्क्वायर मीटर हमारे पास क्या कॉस्ट थी 125 और उसका टोटल एरिया की एक स्क्वायर मीटर की प्राइस थी, कॉस्ट थी 125, तो टोटल जो एरिया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जितने भी उसमें स्क्वायर मीटर होंगे सबकी कॉस्ट आ जाएगी. टोटल एरिया था 1260, उसको पर स्क्वायर से एक स्क्वायर की प्राइस से कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1,57,500. अब आपने फाइंड करना है पेरीमीटर. पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. टू लेंथ हमारे पास क्या थी 42, ब्रेड्थ हमारे पास क्या थी 30 मीटर, दोनों के साथ है 42 प्लस 30 आपके पास ये आ जाएगा 72. 72 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 144 मीटर. अब आपके पास कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या थी. पेरीमीटर आपको पता है बाउंड्रीज को कहते हैं कि टोटल बाउंड्रीज उसकी उनका पूरा कुल रकबा क्या है, ठीक है. तो उन्होंने यहाँ पे कहा था कॉस्ट ऑफ फेंसिंग के एक बाउंड्री की उन्होंने कॉस्ट बताई हुई थी वो कितनी थी 150. हमने होल पैरामीटर मींस के सारी बाउंड्रीज की हमने कॉस्ट फाइंड कर ली. हम एक बाउंड्री की कॉस्ट को होल पैरामीटर से मल्टीप्लाई करेंगे मींस के सारी बाउंड्रीज से, सारी फेंस कॉस्ट ऑफ फेंस से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 21,600 इज द आंसर ऑफ एग्जांपल नंबर 3. इस एग्जांपल में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना था कॉस्ट ऑफ प्लफिंग, ठीक है. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा एरिया फाइंड कर लिया, एक आपके पास स्क्वायर मीटर की कॉस्ट गिवन थी, आपने उसको टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास टोटल सारे जितने भी स्क्वायर मीटर उसमें हैं सबकी कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है. फिर आपको कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कहा गया था कि उस जो प्लफिंग ट्रैक्ट है उसकी जो फेंसिंग है, फेंसिस है, बाउंड्रीज है,
उनको बाउंड्रीज आप कहते हैं पैरामीटर को कहते हैं, तो वो कह रहे थे कि उसकी एक बाउंड्री की कॉस्ट कितनी है एक बाउंड्री की तरफ 150 पर मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पैरामीटर फाइंड करें मीन्स के होल बाउंड्रीज, फिर आप उसको वन फेंस पर मीटर से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 21,600। स्टूडेंट्स होप यू ऑल अंडरस्टैंड दीज एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट लेक्चर्स में आप इन्हीं एग्जाम्पल से रिलेटेड इन्हीं कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आपने इन एग्जाम्पल्स को बहुत केयरफुली सुनना और समझना है, क्योंकि जो आपका वीकली टेस्ट होगा वो एक्सरसाइज में से भी हो सकता है, एग्जाम्पल्स में भी हो सकता है, और आपको कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस भी दी जा सकती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।